हमार लड़का हूँ, चार पाँच महीना चल रहा, कुछ समझ में नहीं आई का हुआ। तो झाड़ फूक कराई कौन? नहीं कुछ करा ही नहीं पाए, हम कह रहे पानी नहीं दे पाओगे पानी। अच्छा, कहा ना हो तो बच्चे को देवेंद्र से 19 जून के आसपास 2022 को मृत्यु हो गई। 2005 2006 से प्रेत बाधा है, आपके घर में मूठ दई गई है। लो बताओ बताओ माई, क्या पूछ भी आई? बहुत परेशान है। आप पकड़ो नहीं भैया, हम पकड़े, छोड़ दो जो हाथ। हाँ। आप बोलो। हमारे लड़का हूँ, चार पाँच महीना चल रहा, कुछ समझ में नहीं आई का हुआ। का होगा बच्चा को? बुखार है? नहीं बुखार नहीं भाओ, अच्छी भले घर नाश्ता करो, कटिंग कराया है, हमसे बात कराते रहे, हम पूजा में बैठ गए। कौन से आई हो? ललितपुर से। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बताई थी? डॉक्टर ने पहुँच ही नहीं पाए। तो झाड़ फूक कराई कौन? नहीं कुछ करा ही नहीं पाए, हम कह रहे पानी नहीं दे पाओगे पानी पी। अच्छा, हाँ। तो कहूँ पूछी जाके बारे में कहा होगा, कहूँ ना होते से कहूँ मंदिर कहाँ गई थी? एक दो दफा एक बाहर रही है, सही आए थे। कहाँ से? अरे जो बाबा लोग नहीं मतलब। अच्छा अच्छा, तो बोले के कुछ करा दिया है कोई ने। अच्छा, तो एक लोग ने और बताई थी के फिर कहाँ गई थी? फिर उसके बाद कहाँ गई? अरे वो तो पास ही में गए थे। कहाँ पे? एक गाँव है लहरन सरकार। तो अरे रोड़ा के पास एक गांव। अच्छा, और कौन जगह गई थी? कहूँ मेहदीपुर या कहूँ? और नहीं गए, बीमारी नहीं भाई, अच्छे भले उनकी तबीयत ही। तो ये नहीं पूछने गई कहाँ वाओ कहूँ को अच्छी जगह पूछने जाती? तो पूछना चाहिए थी। तो अब कहाँ जाते हो? अब बूढ़े आदमी कहाँ जाए? कहा ना हो तो बच्चे को? देवेंद्र सिंह ठाकुर। चलो, हमने पढ़ी लिखी हो आप? क्या लिखा पढ़ो। ये लिखा है संजू उर्फ देवेंद्र कुमार रास्ता में मरे, अटैक आया ऐसा लोगों ने माना, लेकिन हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाए। 19 जून के आसपास 2022 को मृत्यु हो गई। माइक से बोलो, क्या बोल रहे? इससे बोलो लो। 19 जून के दिन की है, राइट है ना? 19 जून को उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन उन पर प्रेत बाधा है। 2005 2006 से प्रेत बाधा है। इसके पहले जितेंद्र कुमार भी ऐसे ही मरे थे। सुनिए मेरे, जितेंद्र कुमार के ऊपर प्रेत बाधा के कारण, पितृदोष के कारण जेल गए थे। कहां गए थे? जेल गए थे। तुमको उनकी नातनी हो? तुम्हारे बब्बा भी अटैक से ही मरे थे। मैया से पूछो, तुम बताओ। मैया से बोलो। सही है। और तुम्हारे जितेंद्र जी जेल गए थे जी। क्योंकि नेटवर्क अभी बफरिंग में है, लेकिन इतने नहीं है कि नेट आ ही नहीं। जिस दिन नेट नहीं आए बांधना तो बैठे ही नहीं। हाँ, अपना नाम तो खराब करेंगे नहीं। प्रेत बाधा है, चौकी रखी गई है। सात में आप तनु नाम है आपका जी। बोलो हाँ है ना? और आपके पिता का नाम जितेंद्र है और आपकी मां का नाम पूनम देवी है। माइक से बोलो हाँ या ना? हाँ। आपके घर में मूठ दी गई है। मालती ठाकुर के पति लक्ष्मण सिंह भी इसी प्रकार से मरे थे। वो बाधा आज भी खून की प्यासी घर में टंगी है। जिस दिन आपके चाचा ताऊ जो भी बोलते हो, क्या बोलते हैं छोटे को, क्या चाचा, जिस दिन उनका दर्द घबराहट हुई, बेचैनी हुई, तब तुम्हारी नानी दादी पूजा में बैठी हुई थी और दादी का पैर चुके गए। इन आप लोगों ने कहा चलो हम दिखाने चल रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं हम लौट के आएंगे जी। हम जा रहे हैं और रास्ते में जाते जाते उनकी मृत्यु हो गई। और इसके लिए किसी सरकार के यहां भी आप लोग गए, उनने ये कहा कि बाधा नहीं है, ये नेचुरल मृत्यु है। नेचुरल मृत्यु नहीं है, प्रेत बाधा से हुई है। और महाराज जी, जिस तारीख को चाचा की मृत्यु हुई उसी दिन हमारे पापा के साथ जो केस हुआ था वो भी उसी तारीख। मैं बोल तो रहा हूँ भैया, बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा जी? मैंने बोला कि नहीं बोला? हमारे यहाँ कोई भी जानकारी पहले से किसी से नहीं ली जाती, और कोई भी व्यक्ति किसी से पहले पूछे तो सीधे सीधे उसका कान गरम कर दो कि हमारे गुरु का आदेश है कि जब नंबर आएगा
तो मैं खुद लिख के दूंगा, चाहे यहां दूं, चाहे बंद कमरा में दूं, या सिवर में कहीं भी दूं, भारतवर्ष में जा लगाओ। हमारे यहां पहले से कोई जानकारी नहीं लेता, मात्र मोबाइल नंबर और कहां से आए, इसके अतिरिक्त कोई भी जानकारी नहीं लेता है। जाओ, आज के बाद तुम्हारे घर में बाधा नहीं रहेगी। इसके लिए पंडोकर धाम 5 अमावस्या करनी है और तुम्हारे चाचा जी तुम्हारे घर में खेलेंगे और स्थान लेंगे। वो भूतयोनी में है और वो घर में है। कामाख्या देवी जाते, एक साल में कामाख्या देवी के दर्शन करते और जे हनुमान जी को मंदिर है अमझरा का, 8 दिन घाटी के पास सागर रोड पे, कम से कम 10 साल से बिल्कुल नहीं है। देखिए, हनुमान जी की कृपा है तो भूत अलग अलग कोटि के होते हैं। भूत होना भी अपने आप को परम सौभाग्य समझे, भूत होना भी अपने आप को परम सौभाग्य समझे। भूत वह बनता है जो कुछ करता है, वह बनता है भूत। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री 5 साल पूरे होने के बाद लिखते हैं भूत पूर्व। नहीं तो महाराज, मेरी बात सुनो, मेरी बात, मजाक नहीं कर रहा हूं। भूत होना भी अपने आप को सौभाग्य समझे, क्योंकि वो मंदिर तो पहचान रहे। 40 में लिखा है कि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और जो कोई भूत योनी में आता है तो भूत योनी से ही प्रमोशन होता है, सिपाही से TI तक पहुंच जाता है और TI से IG तक और DIG तक, DIG तक पहुंच जाता है। पहुंचता नहीं, पहुंचता। और यदि एडिशनल है, SP है, तो जाकर के DGP तक पहुंच जाता है। तो इसी प्रकार से भूतों का भी प्रमोशन है। और भगवान वो भूत जो भगवान शंकर के विवाह में नाचते हैं, उनके आंगन में नाचते हैं, वो भूत होना सौभाग्य है। लेकिन वो भूत होना सौभाग्य नहीं जो गली गली लगत फिरे, वो है नर्क। तो वो भूत नहीं बनना है, भूत वो बनना है जो देवताओं के साथ रहे। भूतनाथ भूतेश के संगी, भूतनाथ माने भगवान शिव और भूतनाथ भूतेश के संगी। तो संग रहने वाले यदि भूत गण बन जाए तो परम सौभाग्य समझें, वो प्रेत बन गए हैं। क्या बन गए हैं? तो प्रेत प्रमोशन है, भूत डिमोशन है। ठीक है, तो इसलिए मेरा आशीर्वाद है, वो उनकी अकाल मृत्यु है, पूर्ण आयु नहीं गए हैं। इसलिए अपनी आयु जो अकाल मृत्यु जाते हैं, दुर्घटना में जाते हैं, अटैक से जाते हैं, असावधानियों से जाते हैं, ऐसे ऐसे लोग अल्प रूपी दुर्घटना में गए हैं, भगवान पे कृपा करेंगे, वो घर में आएंगे और चिंता ना करें। और जिनने चक्कर कराया है उनका नाम हम आज से 3री अमावस्या पे बता देंगे। क्या हो जाता है? माइक से बोलो, क्या ऊपरी बाधा बताते हैं? अच्छा, क्या सर दर्द होता है? कांपते हैं। चलो, अभी तो तुम पे कोई भूत बाधा नहीं है। हनुमान पंचखड़ जाना, सबसे बड़ा थर्मामीटर है पंडोकर धाम में पंचखड़। यदि कोई भूत बाधा है तो उसमें जाओगे तो सवारी आएगी, खेलेगी। सवारी 3 प्रकार की आती है। वास्तविक सवारी आती है, उसको अलग तरीके दिखती है। कोई सवारी ऐसी होती है जो कष्ट देने वाली हो तो कष्ट ही देती है। कुछ सवारियां ऐसी होती हैं जिनको होश रहता है, लेकिन हम होश रहने वाली शक्ति को शक्ति नहीं मानते हैं। लेकिन उसी प्रकार से अटैक होता है जैसे कि वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन होना भी भूत बाधा की लक्षण है। ठीक है ना, तो हम आगे बताएंगे, अभी इतना टाइम नहीं है। सभी दर्शकों को सोशल मीडिया पर पंडोकसर का दरबार जो देख रहे हैं, सभी भक्तों को साधुवाद, आशीर्वाद।